हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। तो आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, PSC हो, चाहे कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन से करंट अफेयर्स से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। आप स्टूडेंट के एक नंबर से आगे या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो 7 से 8 क्वेश्चन एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप 10 से 15 मिनट आज के डेट में आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम में पूरे में से नंबर पूरे में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। इसके पहले बता दो, अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो अमित मिश्रा, संदीप सिंह, राजेश कुमार सिंह या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार जो सिंह है, इनको हाल ही में DPIIT के सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। क्या होता है DPIIT? तो ये आपका औद्योगिक नीति और आपका संवर्धन विभाग है। तो इसको याद रखिए, तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो भारत सरकार के अधीन आपके कार्य करती है एक विभाग है। जिसको याद रखिएगा 1905 में, याद रखिएगा 1905 में इस DPIIT की स्थापना किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया। तो इसको याद रखिए, तो हाल ही में इसके सचिव जो हैं आपके राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के तट रक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो रूस, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में भारत और आपके दक्षिण कोरिया दोनों देश के बीच आपके तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय के आपका बैठक है, जिसका आपके नई दिल्ली में इस बैठक कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया और भारत मिलके इस जो बैठक है इसमें करेंगे। तो ये आपके खास करके समुद्री प्रदूषण को रोकने, समुद्री खोज और यहाँ पे इन विषयों पर आपके भारत और कोरिया एक दूसरे के यहाँ पे मदद करेंगे। तो इसी का जो बैठक है दक्षिण कोरिया और भारत के बीच आपके नई दिल्ली में ये आपके उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, मतलब भारत और कोरिया के बीच जो तटरक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो इसको याद रखिएगा, तो आपके 25 अप्रैल को इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाह मंडल का सदस्य इनको बनाया गया है? तो निरंजन गुप्ता, उदय तंबर, संजय सान्याल या इनमें से कोई नहीं। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उदय तंबर, जिनको हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय और आपके सलाहकार मंडल के सदस्य इनको बनाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के हाल ही में जो गठित जाति न्याय सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में उदय तंबर जी को बनाया गया है, जो आपके अमेरिका में युवा विकास सेवाओं पर आपके कार्य करने वाले भारतीय मूल के CEO हैं। याद रखिए, आपके युवा विकास सेवाओं पर काम करने वाले भारतीय मूल के आपके CEO हैं। ये आपके 15 विशेषज्ञों का इसमें चयन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हाल ही में SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। तो हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो चौथी स्टार्टअप जो केंद्रित शाखा का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इसको याद रखिए, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जो स्टार्टअप्स को एक यहाँ पे आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आपके मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा को उद्घाटन किया है मुंबई में। इसको याद रखिए, भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में कौन है, दिनेश खारा ने मुंबई के बांद्रा जो कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाखा का उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा, अध्यक्ष अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खारा। इसकी स्थापना की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 इसका स्थापना किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, या आपके हमारे भारतीय टीम के जाने माने क्रिकेटर थे, जो कि क्रिकेट के भगवान इनको कहे जाते हैं। तो हाल ही में जो शारजाह स्टेडियम है
तो आपके सचिन तेंदुलकर जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, इनके स्टैंड के नाम रखा गया, जो जारसा स्टेडियम कौन से मतलब कौन से कंट्री में स्थित है, तो आपका यूएई में स्थित है, यूनाइटेड अमीरात आपका जारसा स्टेडियम पूरी दुनिया में जो कि अपनी खूबसूरती के लिए इसको जाना जाता है। तो हाल ही में इसी स्टेडियम में जो भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, सचिन तेंदुलकर। और कुछ दिन पहले मैं बताया था जो वानखेड़े स्टेडियम है जो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो उसका भी इनके नाम पर यहाँ पे उनके स्टैचू रखने के लिए यहाँ पे जो वहाँ के सरकार ने प्रस्ताव रखी गई है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो जारसा जो स्टेडियम है पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए यहाँ पे मशहूर है, और इस स्टेडियम भारतीय क्रिकेट की कई यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो इसको याद की जो सचिन तेंदुलकर के इनके नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है, तो 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 25 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यह दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 25 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है खास करके संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ जीरो सैटरडे का अनुभव किया गया, तो कोच्ची, चेन्नई, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो यहाँ पे जीरो सैटरडे का अनुभव किया गया, कहने का मतलब है आपका जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो साल में एक से दो बार आपका जीरो सैटरडे होता है, कहने का मतलब है आप बेंगलुरु में ये आपका जीरो सैटरडे का अनुभव किया गया है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपके ये जो आपका जो सूर्य एकदम यहाँ पे लंबवत यहाँ पे आ गया था, तो जिसकी मतलब अगर छाया वगैरह जो हम देखते हैं छाया बनता है लेकिन यहाँ पे छाया नहीं बना है, तो इसी को आपका जीरो सैटरडे का अनुभव किया गया आपके बेंगलुरु में। तो इसको याद रखिए, मतलब वस्तु के छाया यहाँ पे नहीं बन रही थी, जो आदमियों को छाया इस पर नहीं बन रही थी, तो इसको बोला गया है जीरो सैटरडे का अनुभव बेंगलुरु में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कहाँ पे 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है, तो चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो मैक्सिको में हाँ भी लगभग मैक्सिको में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा मैक्सिको में देखने को मिला है। क्या मैक्सिको में आपका युकाटन प्रायद्वीप सुने होंगे, तो मैक्सिको में युकाटन जो प्रायद्वीप, तो इसके तट पर विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल यहाँ पे खोजा गया है। ये आपका विशाल अंडर वाटर गुफा है, लगभग 900 फीट इसकी गहरी है और क्षेत्रफल लगभग 147,000 वर्ग फीट गहरी बताया जा रहा है। और आपके चेतुमल खाड़ी याद रखिएगा, तो चेतुमल खाड़ी में स्थित है आपके मैक्सिको के, और आपके बड़े पैमाने पर ये सिंक होल मूल से देखने को मिला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग मिला है, तो केरल का, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिए तमिलनाडु राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तन हैं, तो इसी को यहाँ पे जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। कहने का मतलब है तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को यहाँ पे जीआई टैग देने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिए जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग है जीआई टैग कहा जाता है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है। तो आपके इसकी विशिष्टता गुण देखने के बावजूद ये आधार पर तैयार उत्पाद मिलता है, मतलब जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत है एक प्रकार आपके किसी भी उत्पाद के लिए इसको प्रदान किया जाता है। तो तमिलनाडु जो आपके मनामदुराई मिट्टी के जो बर्तनों को जीआई टैग यहाँ पे तमिलनाडु का मिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। तो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आपके मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन इसका आयोजन करेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, जो खास करके मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आपके आयोजित करेगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सफल परीक्षण आपके उड़ीसा में किया है, किसके किसके द्वारा? डीआरडीओ और हमारे भारतीय नौसेना के द्वारा आपके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है, और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने हाल ही में उड़ीसा के तट के आपके बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित इंडो आपके इंटरसेप्टर जो आपके डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो इंटरसेप्टर मिसाइल की पहली सफल टेस्टिंग उड़ीसा में की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माड़ा को पहला भारतीय गाँव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो माड़ा जो है आपके ये आपका हमारे जो भारतीय गांव है इसको घोषित किया गया है उत्तराखंड को। तो आपके उत्तराखंड के देहरादून राज्य के ये आपके लगभग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई पे स्थित है। आपके उत्तराखंड के आपके चमोली जिला में स्थित है, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के जो सीमांत गाँव माड़ा अब देश का अंतिम गाँव नहीं आपका, बल्कि ये आपका पहला गाँव है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो यहाँ के जो गुवाहाटी के शोधकर्ता, जो भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यहाँ पे नैनो क्ले का उपयोग करके इस तरल मार्बल विकसित किया गया, जिसे दवा वितरण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए पूर्व यहाँ पे इसको क्रमादेशित किया जा सकता है, तो इसको याद रखा। इस जो खास करके इसको क्यों इसको विकसित किया गया है आईटीए गुवाहाटी के द्वारा, तो आपके किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हम टेबलेट, कैप्सूल वगैरह, सिरप वगैरह के लिए इसका आदि के रूप में दवाएँ लेते हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए इसको खास करके इस तकनीक के हिसाब से इसको बनाया गया है, वितरित करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केनिची उमेदा को, दीपक मोहंतो, अलेक्जेंड्रा कुराप को या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रा कुराप। इनको हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डमैन जो कि पर्यावरण पुरस्कार आपके पर्यावरण के कार्यकर्ताओं को हर साल या फिर प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है, या फिर पर्यावरण क्षेत्र में बेस्ट काम करने के लिए इसको दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इस साल जो अलेक्जेंडर कुराप है तो इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिए। और यह जो पुरस्कार है आपके गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है आपके, यह पुरस्कार आपके गोल्डमैन जो इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा ही है, इसका दिया जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है आपके गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया फ्रांस सैन फ्रांसिस्को में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, आपके केरल की राजधानी है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाल ही में आपके वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। तो आपके तिरुवनंतपुरम जो सेंट्रल स्टेशन से आपके तिरुवनंतपुरम कासारकोट के बीच आपके चली गई, जो कि यहाँ की पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखाई है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक देखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।